मेरे बारे में देखिए पब्लिक हो गई ना, अभी मैंने एक निजी चैनल पे कुछ 2-3 महीने पहले एक इंटरव्यू एक पीसीबी के ऑफिशियल का देखा है, जो उन्होंने आके पब्लिकली ये बोला है कि वो रिपोर्ट आई है, और सुनने में तो बहुत देर से आ रहा था। तो मुझे लगता है मेरे करियर पे उस रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है, और डेफिनेटली अगर किसी चीज़ का डेंट पड़ रहा है तो वो मुझे, अगर मैंने वो चीज़ें नहीं की तो एटलीस्ट मुझे बताई तो जाए वो चीज़ें क्या हैं, और उस पर फिर एक अच्छे माशरे की तरह बात हो, और जो भी गिल्टी हो, मैंने पहले भी बोला जो गिल्टी हो उसको सज़ा मिले। अगर मुझे वो चीज़ों की पनिशमेंट देने की कोशिश की जा रही है, देखिए मैं कोई केओस नहीं चाहता, कभी भी नहीं मैंने चाहे किसी केओस, और उस टाइम तो ये पीसीबी था भी नहीं, ये तो अभी अभी आए, लेकिन उस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं बहुत डेंट किया, कहीं ना कहीं मेरे चाहने वाले देखने वालों तक उन वो मिस इन्फॉर्म्ड हैं। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, टीम में आना ना आना बात की बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो इल्ज़ामात जो बातें लिखी गई एक सीरीज़ में, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इतना बड़ा रिपोर्ट का सुना है थद्दा दे दिया गया, तो वो मुझे पता होनी चाहिए। और वो अभी अगर तो ऐसा नहीं है तो मुझे तर्दीद भी देखने के लिए नहीं मिली कि किसी ने आगे कहा हो कि नहीं जी ये इतनी बड़ा ऑफिशियल पे जो सीट पे बैठा होगा वो गलत बात तो नहीं करेगा, वो आके पब्लिकली क्यों कहेगा, तो ऐसी बात है। और जिस चीज़ का मुझे नुकसान हुआ है, मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि वो आप इसको अगर कोई चीज़ है तो मुझे बताएं, बिल्कुल अगर मेरे बारे में कोई बात हुई है, किसी इदारे तक कोई बात आई है, तो मुझे उस चीज़ का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने मुझे हर्ट किया है, मेरे फैंस को मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है, इस वजह से मैं कभी भी नहीं बोला, ना ही अब बोलूँगा, लेकिन मैं एक 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 बड़े आराम से प्यार से एक चीज़ है, मैंने तो ये बात भी नहीं की है, बात तो ये आगे से ऑलरेडी किसी और ने की है, तो किसी और ने मुझे कोई चीज़ या पूरी दुनिया के सामने की है तो लोगों को पता होना चाहिए कि असल बात है क्या, तो वो मुझे पता होगी तो लोगों को पता होगी ना। तो आप, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि मुझे एटलीस्ट जो है ना, मुझे दिखाया जाए, मुझे पढ़ाया जाए, और उस पर प्रोफेशनली लीगली चीज़ें हुई जाए कि पता लग जाएगा कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप मैं अपनी एक लिमिट में रह के एज अ प्लेयर एक कंडक्ट को लेके चल के ही चीज़ें कर सकता हूँ, उससे बाहर आप कभी भी नहीं हो सकते। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने अपने तौर पे ट्राई की होगी, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस मिला नहीं, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया, और इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया। वो जिसने भी एक्स वाई जेड ने कही है, वो आके जो पीसीबी के ऑफिशियल थे उन्होंने बताई हैं टीवी पे बातें, और ये पहले भी चलती रही, सो डेफिनेटली इसका मुझे जो है मैंने पूछने की कोशिश की होगी दबे लफ्ज़ों में, लेकिन मैं चुप या चीज़ें हमेशा पॉजिटिवली लेके मैंने अपना कंडक्ट ठीक रखने की कोशिश की कि अच्छा ओके एक चीज़ हो गई है तो बजाय के कुछ केओस करने के मैं अपने आप को बेहतर करूँ, लेकिन उसका फिर कुछ फ़ायदा भी नहीं होता। या तो होना ये तो एटलीस्ट देखा जाए कि हाँ यार अच्छा ये रिपोर्ट्स हैं, तो ये अगले 3 साल कैसे गुजरे, 2 साल कैसे गुजरे, तो इट्स लाइक वो मुझे तो ऐसा मतलब इट्स नॉट गुड फीलिंग टू हैव, ये अच्छी चीज़ नहीं है किसी के साथ भी होना, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये आने वाले प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता बाकियों के साथ क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा, लेकिन एटलीस्ट मुझे इतना ज़रूर पता है दैट आई हैव सफर्ड लॉट और विच इज़ नॉट राइट। शहजाद दोबारा वापस कम बैक कर सकते हैं कि 14 के उनके अंदर ही सर्कल के अंदर ही आप देख रहे हैं आपकी बारी नहीं आ सकती? ठीक, मेरे ख्याल से फिगर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा ओपनर्स ट्राई हुए जब से मैं बाहर हुआ, मतलब अगर आप मिडिल ऑर्डर देखें तो 2 से 4 तब्दीलियाँ देखने में आई होंगी मुश्किल से वो भी, लेकिन ओपनर्स जो सिर्फ होते भी 2 हैं वो बहुत ज़्यादा लायक है। तो कहीं ना कहीं जब आप 14 से 15 चीज़ें ट्राई कर लेते हैं और किसी को एडजस्ट और फिट करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई हो जाता है। अब माशाल्लाह अच्छा खेल रहे हैं, अब जो भी है पाकिस्तान टीम में जिस तरह खेल रहे हैं, इमाम, बाबर, जिसने परफॉर्मेंस की है, रिजवान की T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, दे डूइंग वेल, वो बातें एक अलहदा बात है, वो साइड पर बात है। लेकिन जिस चीज़ का मुझे जो दुख है वो ये है, मैं ये बात करता हूँ कि मेरे बारे में जो रिपोर्ट्स दी गई हैं वो एटलीस्ट मुझे बताई जाए, मेरा उस पर मौकफ़ लिया जाए और उस केस को प्रॉपरली डील किया जाए, हैंडल किया जाए। अगर किसी ने मेरे बारे में कोई बात की है, रिपोर्ट की है, तो एटलीस्ट उसके एविडेंस उनके पास होने चाहिए, बिकॉज मेरे करियर को हर्ट हुआ है। आपकी इंजरी हम सब ने देखी है और आपका फिर कायदे आज़म ट्रॉफी में, KPL में, वनडे कप में, T20 में स्कोर देखा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट के जो 30 प्लेयर का सर्कल है उसमें आप आउट हैं, 60 प्लेयर का कैंप हुआ था उसमें भी फैंस ने आपको नहीं देखा है, तो हर्डल जानना चाह रहे हैं फैंस भी और हम मीडिया भी। मैं भी जानना चाह रहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो 60 प्लेयर्स का कैंप था, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल रीज़न नहीं पता उसका कि मेरा नाम उसमें क्यों नहीं है, इवन दो
आई वॉन्टेड टू प्ले, क्योंकि एक क्रिकेटिंग एटमोसफेयर होता है और एक प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी क्रिकेटिंग एटमोसफेयर में रहे. लेकिन उनकी जो भी इसका सही जवाब आपको जो जिन्होंने टीम सिलेक्ट करनी थी वो दे पाएंगे. बट मेरी तरफ से तो ये है कि मैं तो कोई भी क्रिकेट होती है तो मेरी कोशिश होती है आई शुड बी द पार्ट ऑफ इट, और क्योंकि वहाँ आपको जो एटमोसफेयर मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता. मेरे ख्याल से एक प्लेयर के हाथ में यही होता है कि वो परफॉर्मेंस करता है, और मेरे हाथ में भी यही है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है मैं उसमें परफॉर्मेंस करूँ. और दूसरा, टीम में सिलेक्ट होना ना होना ये मेरे हाथ में है नहीं. मेरा काम है अपनी परफॉर्मेंसेस करना, और मैं परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता हूँ जो भी गिवन सर्कमस्टांसिस और क्रिकेट मुझे दी जाए. और यही मेरा एम इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में भी रहेगा. और अपने आप को इस पोजीशन और इस सिचुएशन में रखना, इस कंडीशन में रखना कि जब भी मेरी ज़रूरत जहाँ भी हो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर से बेहतर कर सकूँ. अहमद, पाकिस्तान सुपर लीग का अहम हिस्सा थे क्वेटा ग्लैडिएटर टीम का, केपीएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस, फिर क्या ऐसी वजूहत हैं कि अहमद शहजाद को पाकिस्तान सुपर लीग, जो कि पाकिस्तान का ही ब्रांड है और अहमद शहजाद भी पाकिस्तानी है, उधर से ही दूर कर दिया गया? बड़ा सर, मुझे ये भी एक इस तरह का क्वेश्चन है कि जिसका मुझे खुद भी पता नहीं है. मुझे बड़ा दुख है कि मैं पीएसएल का पार्ट नहीं था. अगर मैं कहूँगा दुख नहीं है बिल्कुल गलत होगा. मुझे काफ़ी दुख है, और क्वेटा इज़ लाइक अ होम. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्वेटा में बहुत लोग प्यार करते हैं. शायद आप लोगों ने वो फुटेजेस देखी थी जब हम जीत के क्वेटा में गए थे, और जो लोगों का रिस्पॉन्स था और जो मेरे मुतल्लिक उनका प्यार है वो आज भी वैसे ही है, आज भी ज़िंदा ही है. बहुत लोग मुझे जो वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स भी हैं क्वेटा में, उनके मुझे मैसेजेस और उनके मुझे फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं कि वहाँ का क्राउड भी ये जानना चाहता है और पूछना चाहता है. मेरे पास उनके लिए भी कोई जवाब है नहीं. क्वेटा में बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. लाइक मोइन भाई के साथ मिल के हम लोगों ने टीम को खड़ा किया हुआ है, और क्वेटा एक बड़ी टीम है, बड़ा नाम है. एक आधा सीज़न ऊपर नीचे होने से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है. क्वेटा ने हमेशा मुश्किल टाइम्स में परफॉर्मेंसेस की हैं, जीत की है, और लोगों को बड़ी अच्छी क्रिकेट दी है. तो मेरी तो यही कोशिश है कि इंशाल्लाह अपनी तरफ से बेहतर करके, या जो चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट होके क्वेटा के लिए जो बेहतर है वो फैसले होने चाहिए, जिसमें क्वेटा की टीम की और उनके लोगों के, क्योंकि उनके इमोशन साथ जुड़े हुए हैं लोगों के, तो जिस चीज़ में क्वेटा की टीम की बेहतरी है हमें वो करना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला मिल के इसको विनिंग ट्रैक की तरफ लेके जाए. पहले मैच में मैं ओपनर आया, दूसरे मैच में मुझे वन डाउन कर दिया गया, तीसरे मैच में मैं बाहर हो गया. तो अगर सोशल मीडिया का प्रेशर था या फलाना, तो फिर क्या आप मैसेज क्या देते हैं? क्या मैसेज देना चाह रहे थे जो उस टाइम पे चीज़ें कर रहे थे? क्या ये सारे नेगेटिव मैसेज हैं? जब आपने टीम बनानी होती है आप इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, किसी प्लेयर को इस तरह जज नहीं करते हैं. मैं आज भी किसी चीज़ के लिए बात नहीं कर रहा. मैंने पहले भी बोला है ये वाला क्रिकेट बोर्ड तो अभी आया है, इनके दौर की तो ये बात नहीं है. लेकिन मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि हाँ जी, एटलीस्ट जो ये रिपोर्ट्स हैं जो कि ऑफिशियली आके ऑलरेडी लोगों ने उसको टीवी पे बोला है, और उसका मुझे डेंट पड़ा है मेरे करियर पे, और मेरे फैंस मिस इन्फॉर्म्ड हैं. मैं चाहता हूँ कि फैंस तक हकीकत पहुँचे, और मैं एटलीस्ट जो चीज़ें मैंने नहीं की हैं उसका इल्ज़ाम पे या उसकी सज़ा मैं ना काटूँ. अहमद, कोई बात नहीं हुई है, और मैंने अभी तक इस बारे में उनसे कोई बात नहीं की है. बिकॉज मुझे, क्योंकि जब पहले मैंने चीज़ें ट्राई की तो कुछ इस तरह का रिस्पांस मुझे मिलता नहीं है कि मैं उसके बाद चीज़ों को प्रोसीड करूं. सो मैं सिर्फ ये बोलता हूं, इवन दो रमीज़ भाई भी हैं, आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि इंशाल्लाह वो चीज़ें आगे सक्सेसफुली करते रहें. मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है. वो हमेशा मेरे लिए दुआ है उनकी, उनके लिए कि वो अच्छा करें. लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो ये बोलता हूँ कि किसी इंडिविजुअल को अगर किसी चीज़ का नुकसान दिया जा रहा है, कोई रिपोर्ट आई, वो कैसे आई? मेरे पास भी अपने डिफेंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है. मैं, मुझे लगता है मैंने कभी भी कहीं रॉन्ग नहीं किया. मैंने हमेशा डिसिप्लिन कायम रखा, और उसका उसको लोगों को बिल्कुल अपोजिट साइड दिखाई जाती है, और कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. तो मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि, मैं नहीं चाहता कि देखें कि मैं आपके बारे में कुछ ऐसी रिपोर्ट दे दूँ जिसका आपको नुकसान हो. किस तरह मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो अगर तो मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे पास उसके कोई एविडेंस होंगे, मेरे पास उसके कुछ प्रूफ्स होंगे. मैं एटलीस्ट कहीं दो बंदे फेस टू फेस बैठे हैं आपस में, ये बात डिस्कस हो कि क्या बात क्या है. डेफिनेटली मैंने पहले भी बोला अगर उसमें कुछ गलती होती मैं करता, लेकिन ऐसा नहीं, वन साइडेड चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मुल्क को नुकसान है. सर, रमीज भाई के काम से अभी तक जो स्टेप्स लिए हैं.